सभा जी, सभा जी म्यूट जी याद करना है, टिक टिक की आवाज आपकी तरफ से आ रही है, इसका मतलब है कि आपका माइक सही काम कर रहा है। हेलो, जी बोलिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ, कैसे हो गई ऑन? आपको हमारी आवाज आ रही है मुझे आपकी इतनी थोड़ी सी आवाज आ रही है। तो उसको स्पीकर की तरफ ले जाए ना। हेलो, स्पीकर ऑन करना है? नहीं, ऐसे नहीं आ रही है क्या आपको आवाज सभा जी? नहीं, मैंने हैंड्स फ्री नहीं लगाई है, मैं अपने मोबाइल से बात कर रही हूँ। पहले मुझे आ रही थी, फिर वो मेरे से थोड़े आइकन्स आ गए और फिर ये बैक हो गया, कभी नहीं आ रही। तो आप ऐसा करें, बाहर जाके फिर दोबारा वापस आके ट्राई कर कोई लें। ऑप्शन बताया, मुझे बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, मेरे पास ऐसी ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। आप एक दो बार रीज्वाइन कर लें। हेडफोन नहीं है क्या आपके पास? अच्छा, डिस्कनेक्ट हो नहीं, गई क्या? मेरा हेडफोन खराब हो गया। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको कि हम क्या बोल रहे हैं? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे बहुत आपकी स्पीकर एकदम चेंज क्लियर है, करना है। आपकी आवाज आ रही है, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते। बोल दो कुछ सवा जी। साहिल साहब, 9600 लोग हो गए, तमाम प्रीवियस रेकर्ड टूट गए आज। 9800, नॉट 600, 9800। वाह, 9800! ओ वाह, अरे वाह, यस, मेरे पास अब अपडेट हुआ है। अपडेट स्लो हो रहा है सर, लोग तेजी से आ रहे हैं। आ जाओ सबको दावत है, आ जाओ दिखा देंगे, आ जाओ। वाह नाइन वाह थाउजेंड वाह, एट हंड्रेड आ जाओ दिखा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी लो मेरे को नबी मान लो, मैंने साहिल सुबह ही साहब, बोल दिया था 10,000 आना है। बेशक सत्य फरमाते हैं सर आप, 100% सत्य फरमाते हैं आप। हाँ सभा जी, कुछ बोलिए। हेलो सभा जी, यार किसी को पता है कि मोबाइल में इनकी आवाज को स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे कैसे लेके जाना है? अगर किसी को पता है तो बता दे। ओके, सभा जी का माइक कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है मेरे ख्याल में, वो जैसे ही रिकनेक्ट करती हैं हम ऐड कर लेंगे। साल सभा जी का इंतजार करते, ओ आ गई वापस, आ गई आ गई, ऐड किया। जी सभा जी, अब आ रही है आपकी आवाज? और सभा जी चली गई हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो साहिल भाई, 10,000 लोग ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हम ऐसा करते हैं, सभा जी स्टार्ट करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे पूरे। एक जगह बेशक उनके लिए बना बेशक के रखो, एक जगह बना के रखो। जी सर, एक जगह है पीछे, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सभा खान जी वापस ज्वाइन करी हैं, लेट्स सी। नहीं जी, जी सभा जी बोलिए, अभी भी नहीं आ रही आवाज। हेलो, आपकी आवाज हमें आ रही है? मुझे मुझे आ रही है, लेकिन मुझे बहुत कम आती है, मैं सभा जी, कुछ अब ट्राई आप करती हूँ। अपने फोन की वॉल्यूम खोल लेना। खोला हुआ है ये, मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ ना एक्चुअली, हाँ जी, तो वही ना, फोन मोबाइल को ही कहते हैं। और मुझे म्यूट कर दें, किसी और को ले लें, मैं इतने में कुछ सेटिंग्स वगैरह अच्छा देखती हूँ। मैडम, ओके एक चलें, को और रिमूव करो, मैं भी मोबाइल से ज्वाइन करके मैं देखता हूँ क्या ऑप्शन है उधर। ओके एक सर, जगह आप और मोबाइल से बनाओ। ज्वाइन कर लें। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या ऑप्शन है इधर, ओके, ये कहाँ पे देखें सनी ऑप्शन सिंह मिला। जी आए हैं यार, सीरियसली बैक स्टेज में। अरे यार, नॉन मोमिन लोग मत करो यार। 9,900 लोग मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये देखो, एक्स हिंदू एक्स मुस्लिम, निकालो भाई इसको भी। आ जाओ साहिल भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ मैं आ वरना रहा हूँ, बस ये मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ, रुक जाओ। कहाँ पे है डेस्टिनेशन? यार मुस्कान खोकर साहब कहाँ से मुसलमान हो गए, देखते हैं इनको। मुस्कान खोकर साहब, होकर नहीं, काकड़ हूं मैं, काकड़, अब मुझे चले नहीं जी पता काकड़ नाम जी, आप, मुझे नहीं आप पता अगर मुसलमान आप। हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। मुझे लगता है, पाकिस्तान मुझे से हैं आप? लगता है आप जी पाकिस्तान से हो, लाहौर से हो, और मुझे लगता है आप ठीक ठाक होमवर्क करके आए हो, कोई एक दो जी मैं सबक पढ़ के आए हो, जी जी कुछ मैं पॉइंट पूरा आप पूरा एग्जाम।
और उस पॉइंट को जो है ना वो एक्सप्लेन करके, तो इसको लाजवाब करके, तो इसको लात मार के वापस भेजता है। पता है जी मुझे जी आपका काम है, जी जी मैं पूरा होमवर्क करके आता हूँ ऑब्वियसली। विदाउट होमवर्क तो आने का फायदा नहीं ना आप होता। भी घर आते हो, साहिल भी करके आता है, मैं आपको सुनती हूँ, ऑब्वियसली देखती अगर वो हूँ। साहिल भी नहीं करके आएगा तो फायदा क्या है स्ट्रीम बनाने का। लेकिन स्ट्रीम, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जी आज तक ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया है? चलो आप एक्स मुस्लिम्स को यूज कर रहे हो, नई कम्युनिटी बना रहे हो, बड़ी कम्युनिटी बनाई, LGBT आई, LGBTQ हो गई, फिर आगे पता नहीं LMNOP, पता नहीं क्या कुछ ए लिखा आई हुआ है ए आई आप, ए आई प्लस प्लस हो गई। जी जी कोई मसला नहीं है। और तो आपने क्या अच्छा किया है इस ह्यूमैनिटी के लिए, बहुत इंसानों सारा के कुछ लिए? किया लेकिन वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। मैं नबी नहीं हूं ना कि मैं बता बता के करूं। नहीं, कोई एक्स मुस्लिम हो गया तो उसके हक में क्या अच्छा होगा? वो इस किस्म की अपंगता से बाहर निकल आएगा। पंखता से बाहर निकल आएगा। जी तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, आप कहाँ से हैं? एडम सीकर, मार्स से। सॉरी, मार्स हाँ इसीलिए तुम उल्टी बातें करते हो, मार्स से ही हो गए, इंसान तो तुम लग अल्हम्दुलिल्लाह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लग नहीं रहे। 10,000 क्रॉस, 10,000 क्रॉस, वल्ला कॉन्ग्रेचुलेशन हबीबी, एडम, 10,000 क्रॉस। 1,071, जबरदस्त। जबरदस्त। देखें जी, मुस्कान जी देखें आप आई हैं और 10,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई इस्लाम को अच्छा साबित कर दें या कुछ अच्छी चीज ऐसी साबित कर दें तो मेरा मतलब है कि 10,000 लोग इस वक्त इस्लाम के करीब करीब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम इज रियल कोड ऑफ लाइफ, और बेहतरीन हो हमारे गया। किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, ना हलाले हैं ना बलाले हैं, ये चीजें जी ठीक व्हाट होती हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है जितना आप इनको बताते हो। ओके अगर आप मैंने तो इनको देखते हैं एक तो हर मुस्कान मजहब जी में कोई ना कोई चीज गलत पाई जाती है। फॉर अच्छा एग्जाम्पल, मुस्कान जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। एक तरफ आप कहती हैं कि ये है नहीं और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि कॉमन नहीं है, तो ये तो दोनों बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। फॉर होती नहीं है का एग्जाम्पल मतलब है हलाला, ही तो नहीं। नहीं और नहीं जिस हो तरह आप एक्सप्लेन करते हो ना हलाला को, वैसे नहीं होता, जी मैंने कौन ठीक सी है? स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया हलाला को। यहाँ पे हलाले करवाता बैठ के, हलाला सेंटर नहीं खुले हुए, मैंने बड़ी आपकी वीडियोस देखी है। हलाले का जी मतलब ये होता है बीवी की डिवोर्स हो गई है, अल्लाह की बिल्कुल तरफ से उसके घर वाले दोबारा कहीं शादी करते हैं, और अल्लाह ना करे उसका हस्बैंड मर जाता है, और या उसकी तलाक हो जाती है, कुछ हो जाता है, उनकी नहीं बनती, उसके बच्चे हैं पहले शोहर से, और उसके दिल में है कि चलो मैं उसके पास वापस ले जाऊं, तो अच्छा उसके लिए जायज है। अच्छा ये वाली ऐसा कुरान की आयत दे दे नहीं मुझे। है आया जाता है और फ्लाट जी ये किस नहीं सकता है बहन जी ये वाली कुरान की आयत दे दे मुझे। यार, मुझे ना बहन को, मैं आपकी बहन नहीं बनती, आई एम सो ओके सॉरी, यू आर दुश्मन यू जी, आर अ रैंडम दुश्मन जी, पर्सन, दुश्मन जी ये वाली कुरान की मैं आयत तो दे दे। नहीं बनूंगी, आई रियली डोंट वांट एनी रिलेशनशिप विद यू। तो दुश्मन तो हैं क्योंकि कुरान के मुताबिक हम आपके खुले दुश्मन हैं। और मुझे पता है आप दो चार लाइनें तो रट के आए हुए हो, आपने आज यहाँ पे स्ट्रीम नहीं करनी, दो चार पैसे कोई बन बात जाएंगे नहीं, आपके। ये कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं कि ये वाली कुरान की आयत अगर आपके पास नहीं है और मैं आपको कुरान की आयत दिखाऊं जिसमें ये जितने भी आपने चीजें डाली हैं वो ना हो तो। वो बस कर दो, ऐसा नहीं है, इसका एक प्रॉपर नहीं तरीका ये काम नहीं है, कोई जो बात कि नहीं, आप मैं कह जैसे देता हूँ कुरान की आपने आयत। तो अपने दुनियावी ये मजे के लिए देखें और जी दुनियावी मुस्कान जी, अपने मुस्कान जी, फैमिली मुस्कान के जी, लिए मुस्कान पैसे जी, के लिए पैसे मुस्कान जी देखें, उर्दू आपको पढ़नी आती है, कमाता कुरान मेरे पास है। मुझे देखें, मुझे आपकी ये डबल स्टैंडर्ड पसंद नहीं है ना। देखें, और जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो फिर वो अपनी इद्दत पूरी कर ले, मत रोको, नुकसान पहुंचने की वजह से हद से तजावुज करो, जो भी काम करेगा अपनी जान पे जुर्म डालेगा। अच्छा नहीं, इससे एक आयत पीछे होगा, 230 में है, 231 में नहीं है, 230 में होगा। हाँ, फिर अगर वो इसे तलाक दे दे तो वो औरत इसके बाद इसके लिए जायज नहीं जब तक के वो औरत किसी और शोहर से निकाह न करे। बस अगर वो इसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा इन दोनों पर के वो मराजियत कर लें अगर इनको यकीन हो कि अल्लाह की बिल्कुल हदूद की पारसारी कर सकेंगे। नाउ राइट, बिल्कुल राइट, बेहतरीन, यहां पे आपने बिल्कुल जो इतनी गेम डाली, नहीं राइट। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, एक्सप्लेन ठीक है? आप कौन तलाक होती है होगी, करने तलाक वाली होने के बाद यहाँ पे हलाले नहीं होते भाई, जिसकी तलाक होती है ना वो दोबारा शादी कर लेती है, उसके बच्चे होते हैं, वो दूसरे हस्बैंड के घर मरती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी का दूसरा हस्बैंड मर जाता है, वेरी एक्सेप्शनल केसेस की औरतें आती हैं अपने शोहरों के पास वापिस, कोई भी नहीं, यहाँ भी वैसे होता ही नहीं है, दोबारा वो लोग शादी करते ही नहीं है,
अगर वो मर जाता है, ऐसा नहीं है कोई एक रात के लिए बीवी को किसी के साथ सुला देता है और अगले दिन जो है वो डिवोर्स ले लेता है, या आप चीजों को गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। हमारे मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम ने इसका प्रॉपर तरीका बताया हुआ है। आप टोटली रॉन्ग एक्सप्लेन करते हो कुरान पाक की आयात को, अपने मकसद के लिए एक्सप्लेन करते हो। कोई मसला नहीं है, मैं वो आपकी बातों को समझते हैं, भाई एडम सीकर ने जो बोल दिया वो तो पत्थर पे लगी रहा है। देखे 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 मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, ये देखें, ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तान से, हलाला सेंटर पाकिस्तान, ये ले निकाह हलाला, तलाक की कम से कम इद्दत की मुद्दत कितने दिन, मुता तलाक तलाक हलाला, ये देखें, मुझसे हलाला कर लो, मैंने हलाला करना है, ये हलाला करना चाह रही है, ये मैं तो नहीं बना रहा ना, लोग कर रही है। देखिए देखिए, अक्सर खवातीन की प्रोफाइल पे लिखा होता है कि उम्र 25 साल, ये कौन से फार्मूला करीम है जिसमें उम्र 10 साल कम हो जाती है, वगैरह वगैरह। अच्छा करीमें चल रही है, निकाह हलाला, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज, अच्छा मैरिज भी यहाँ पे आ रही है, हलाला भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, एक हलाला सर्विस फ्री इन पाकिस्तान, माशाल्लाह फ्री, कुरान करीम हलाला सर्विस, नीड मैन फॉर हलाला, हलाले की इज्जत किया। बात लोग समझते हैं हलाला कोई सदा है या हीला है जिसपे औरत को मजबूर किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और एकाम शरीयत नहीं, नावाकफियत है। हकीकत यह है कि जिसने अल्लाह की मुकर्रर की हुई तमाम हदूद को पामाल नहीं किया, तीन तलाकें दे दी हैं, इसके लायक नहीं कि एक शरीफ और इसके पद बार रहे, लिहाजा अब औरत से निकाह करने के लिए उसे किसी दूसरे बंदे से हलाला करना होगा, हलाला करना ये सब लोग लिख रहे हैं भाई, हलाले के ऊपर ग्रुप से नहीं होता, एक रात के लिए, दो महीने के लिए नहीं होता, ऐसे होता है कि वो रहती है उस हस्बैंड के साथ, अगर किसी वजह से उनकी लैदगी हो जाए तो पहले हो शोहर के पास आ सकती है। आई होप सो आपके जो है नॉन रिलीजियस माइंड, क्या कुरान ने इस चीज को, मैं एग्री कर ही नहीं सकती, मुझे कन्विंस कर दो, मैं आपको जो है ना इनाम दे दूंगी यहाँ पे बैठे बैठे। भाई देखें, मैंने कन्विंस क्या करना है आपको, मैंने तो आपको दिखा दिया, गलत कर रहे हो ना, गलत एक्सप्लेन कर रहे हो, इसका एक राइट वे है जो मैं आपको तीन से चार दफा बता रहा। देखिए बात सुने, आपके लिए राइट वे कुछ और हो सकता है, दूसरों के लिए राइट वे कुछ और हो सकता है, कुरान ने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया। मेरी बात सुनो, यहाँ पे तो बड़े ज्यादा मसाज सेंटर भी खुले हुए हैं हमारे सिटी लाहौर में, बड़े ज्यादा सेक्स सेंटर भी खुले हुए हैं, यहाँ बरकत मार्केट कभी खाने पीने जाए तो 10 खुसरे वहां मिलते हैं आपको रास्ते में। और अच्छा, आपकी मार्केटें भी बरकतों वाली होती हैं, मार्केटें भी बरकतों वाली होती हैं आपकी, होता है ना हर मुल्क में होता है। इस, 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 ये जो, ये जो आप मार्केट बता रही हैं बरकत वाली, तो कोई जा रहा है उसकी मर्जी है ना, हम लोग वर्कर्स के पास कोई जा रहा है तो उसकी मर्जी है ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि जो बरकतों वाली मार्केट है आपकी, इसमें क्या बरकत मिलती है जी? वहां पे हम फ्राइज खाने जाते हैं, स्टेक खाने जाते, तो बरकत क्या है यहाँ पे, इसका नाम बरकतों वाली मार्केट कैसे हो गई? नहीं बरकतों वाली मार्केट नहीं है, उसका नाम सिर्फ बरकत मार्केट है। अच्छा सिंगल बरकत है, यानी एक बरकत मिलेगी, बरकतें नहीं मिलेंगी? खाने पीने की बरकत मिलेगी वहां से, सिंगल बरकत मिलेगी। हाँ सिंगल बरकत, लेकिन वहां पे आप कह रही हैं कि प्रोस्टिट्यूशन भी खुली हुई है, तो वो कि ये प्रोस्टिट्यूशन में भी बरकत होगी? नहीं नहीं, उससे पहले यार ये ना इस तरह की बातें झोल में ना डालो, इंडिया में पूछ रहा था, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि मार्केट का नाम भी है बरकत मार्केट सेंटर की, तो यहाँ सेक्स सेंटर भी है हर मुल्क में, जो जा रहा है उसकी मर्जी है ना, उसने कल को मुंह दिखाना है रब के आगे। देखिए बात सुने, मैंने आपको कहा कि अगर आप इस, आप मुझे ना ये बताओ, तो नहीं कहती, आप मुझे ये बताओ, हमारे मजहब में इतनी ज्यादा गंद, इतनी ज्यादा बुरी चीजें आपको नजर आ गई हैं, आपने कभी वो हिंदुओं की नहीं सारा पढ़ा? मैं पर्सनली, मेरा कोई उनके साथ वो नहीं है, क्लैश नहीं है, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन उनका भी आपको पता है वृंदा का रेप किया था विष्णु ने। अच्छा जरा दिखाइए मुझे प्लीज, मुझे दिखा दीजिए यार, आप जैसे लोग जो है ना वो YouTube पे वीडियोस डालते हैं, यू कैन गो एंड वॉच। भाई नहीं मुझे परवाह नहीं है ना, देखे जो आप, देखे मेरे से आप हर सती हो गई, तुलसी माँ का नाम पता है आप हिंदुओं की नाम जी, एक सेकंड पॉज तो करें ना यार, लोग आपके सर पे लितर मारेंगे हिंदू, क्योंकि वही लोग आपको व्यूअरशिप दे रहे हैं। Okay. आप लोग बोलो कि नहीं नहीं हमें तो उसके बारे में ज्यादा इल्म ही नहीं है, पता नहीं है, इसलिए हम उसके okay, बारे में बात। मुस्कान जी एक सेकंड रुक तो जाए ना यार, देखें यार जो आपने बैकस्टेज करता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। देखें जो आपने बोला ना, अगर आप साबित कर दें, मैं आपके साथ मिलके यहाँ पे गालियां निकालूंगा। देखो कितनी जबरदस्त बात है, मैं और आप दोनों मिलके गालियां निकालेंगे अगर आप ये वाली चीज साबित कर दें। देखें
मुझसे हवाई बातें नहीं होती। देखिए मैंने आपको कुरान की आयत दिखा दी, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ही बदल दी, अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन कर रही है, एंड दैट इज फाइन। मैंने आपसे लड़ाई नहीं की। अब आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रही है तो भाई उसको दिखा दे, मैं और आप दोनों मिलकर गाली निकालेंगे। और बताए गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, उसका शोहर था वो सारे भाई मेरे को मिस्टर मिस्टर मुस्कान मिस्टर मुस्कान मुझे नहीं यार मुस्कान जी यार आई मुस्कान यू गॉट अ लिसन एज वेल। जब से आप आई हैं बोलती जा रही हैं, मुझे ओवरलैप भी कर रही हैं। मुझे आपकी कहानियां नहीं सुननी, मैंने बहुत कहानियां सुनी हुई है इस किस्म की, मुझे कहानी नहीं सुननी। आप इस्लाम के टॉपिक को चेंज करके किसी और जगह गई हैं। मैंने कहा परफेक्ट, अगर ऐसा लिखा है तो मैं गाली देने को तैयार हूं आपके साथ, मगर आपको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नहीं है आपके पास दिखाने के लिए कुछ, सो डोंट डू दैट। मुझे वो कहानियां नहीं सुननी। इस्लाम की भी कहानियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन जब हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो वाट लग जाती है, तबाही हो जाती है। ठीक है, तो वंस अगेन आप ये बताएं मुझे, मजे के लिए अपने यूट्यूब के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए पढ़ोगे ना तो वाकई बहुत कुछ हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, आपके जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं 14 साल से लेके आज तक जितने आपके जितने भी मुसलमान स्कॉलर्स हैं, वो भी अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आके बैठते हैं। सो लेट मी टेल यू समथिंग, क्या आपके नबी ने मारिया कुप्तिया एक स्लेव लड़की के साथ सेक्स किया, हाँ या ना बताइए? नहीं नहीं बात कर दो, मैं कोई आंसर नहीं करूंगी। तो आपका नबी जो है एक सेक्स स्लेव मोलेस्टर हुआ? आपका नबी, आपका नबी एक स्लेव मोलेस्टर हुआ? नहीं, यहाँ पे किसी आलम दीन को बिठाए, मैं आपके क्वेश्चन में तो फिर आप क्यों आई हैं? लेके आए जी सर, मैडम मेरी आवाज आ रही जी सर। के लिए क्या मजहब से बाहर आके निकले मुस्लिम बना के क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा? तो आपको मुस्कान जी थोड़ा सबर भी करना सीखो, इतना तवे पे क्यों बैठे हो आप? थोड़ा रुको, आप मुझे बहुत बुरे लगते हो साहिल। हाँ मैं बहुत बुरा हूँ एकदम, कोई तो आया पहला इंसान जिसने बुरा कहा है, वरना मुझे ही बुरा कहते थे। आज कोई आया तेरे को बुरा कह रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी का मुद्दा क्या है? लड़का तो उसका रिश्ता नहीं होता, लोग लड़की नहीं देते अपनी। अच्छा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, आप एक्स मुस्लिम बना के ह्यूमैनिटी के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं वो हम बताएंगे नहीं। हम एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। मुझे फायदे बताएं, मुझे क्या क्या फायदे मिलेंगे? साहिल मेरा महाना खर्चा लगाते हो? आपकी मेरा महाना खर्चा लगाते हो? ओके जी, लो जी सारे लोग सुनो, अगर मैं इनका महाना खर्चा लगा दूं, ये एक्स मुस्लिम बनने को तैयार हैं, इनके लिए मजहब की सिर्फ इतनी औकात है, बेहतरीन हो गया। कितना महाना खर्चा चाहिए? नहीं नहीं मुझे इनाफ मिल जाता है। कितना महाना? नहीं अभी तुमने क्वेश्चन किया है कि मेरा महाना खर्चा लगाते हो, मैं एक्स मुस्लिमा बनती हूँ, कितना महाना खर्चा लेती हो तुम आजकल इस वक्त अपने? हाँ मैं देने के लिए रेडी हूँ। अगर मेरी तरह कोई मैंने कहा मुस्कान मुझे बता तुझे महाना खर्चा कितना चाहिए, तूने ये बात की है, अब बता तेरे लिए इस्लाम की दीन की सिर्फ इतनी औकात है कि तुझे महाना खर्चा मिल जाए। दैट इज हाउ स्टूपिड इडियटिक इग्नोरेंट मिल गई जिसके ऊपर चढ़ के तुम टप सकते हो, तुम्हें एक लाइन एक टॉपिक मिल गया, इसका मतलब ये आदमी कि जो लोग पागल की बच्ची। अच्छा हाथ धोती है जी सर, मैं बात कर लेता हूँ जी सर, आप कर ले। उसने जो शॉर्ट भी बना लेने और से व्यूअरशिप भी ले लेनी है, ये मेरा शॉर्ट जरूर डालना। मुस्कान जी आपको फेम चाहिए, मैं अभी आपको अभी यहाँ से आपको 5,000 सब्सक्राइबर देता हूँ, चाहिए आपको? मुझे सब्सक्राइबर ना दो, आपकी मेहरबानी, रहने दो। 78 है आपके सब्सक्राइबर, मैं आपको 5,000 अभी करवाता हूँ यार। अभी नहीं, नहीं नहीं फेम नहीं चाहिए। अब ये देखो ना बातों को इस तरफ ना मोड़ो, मेरी आप आराम से बात कर सकते हैं। मुझे फेम चाहिए हो ना तो मैं बड़ा मांग लू। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इतना गुस्से में क्यों बात करी? अब थोड़ा रुक रुक के बात करो ताकि आप भी कुछ समझा सके, हम भी कुछ आपको बोल सके।
में वो लल्ली पंजिया लड़कियां आती हैं, आप उनको लाजवाब करके बाजियों को भेज देते हो, वो समझती हैं प्रॉब्लम आपका ये है ना मुस्कान जी कि आप सुनना नहीं चाहती। एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बेनिफिट्स देते हो आप एक्स मुस्लिम्स को? मैं एक्स मुस्लिम बनने से आपको जो इस्लाम की गंदगी है वो पता चलेगी, और आप ये इस सोच से, उस डर से आप बाहर निकलेंगी, आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, इतना फ्रीडम है, इतनी मजेदार लाइफ है ना, इतनी मजेदार लाइफ है, मेरे पूरे खानदान में 10 नस्लों में ठीक है, किसी का हलाल नहीं होगा, कुछ भी नहीं हमारे यहाँ कोई। मुस्कान जी सुनती नहीं है यार ये। आपकी 10 नस्लों में तलाक नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि तुमने तलाक लेके घर नहीं आना, दोबारा कोई मर्द तुम्हें अपनाएगा नहीं। पाकिस्तान में औरत को कुत्ती बना के रखा हुआ है मेजोरिटी इलाकों में। आपके खानदान में तलाकें इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि एक अच्छे खानदानी घर में तलाक नहीं होती। औरत अगले घर में जाके अपने खावन से चपेड़े भी खाती है, ठुड्डे भी खाती है, तलाक नहीं लेती, आके किसी को बताती नहीं है। दिस इज द रियलिटी। सो मेरे पास आके आप इस तरह की बातें नहीं कर सकती, मैंने सब देखा हुआ है, आंखों से भी देखा हुआ है, कानों से सुना भी हुआ है। सो डोंट गिव मी बीएस।